तो पार्टिकल जो है ये कैसा क्या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड है, लेंथ है इसका 1 मीटर, वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है। पार्टिकल को रिलीज किया गया कहाँ से बताओ, पोजीशन ए से, और पोजीशन ए कैसा है, ऐसा है, ये है हमारा पोजीशन ए, ठीक है। और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और उस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, पॉइंट ओ पे है ना। सवाल पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। और ये जो है इधर दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है एक सी, है ना, तो हमको निकालना है ए बी बाई ए सी, है ना। चलो, और बी जो है वो लोअर मोस्ट पॉइंट। अब सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना है कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में दो तरह की एक्सेलरेशन होती हैं। एक क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल जो कि सेंटर की तरफ होता है, और दूसरा क्या होता है टेंजेंशियल, जो कि कितने जो किधर होता है, जो कि टेंजेंट के अलोंग होता है। तो एक काम करते हैं, पहले पॉइंट बी पे देखते हैं। तो बी पे इस पार्टिकल पे जब जब पार्टिकल हमारा बी पे होगा तो दो फोर्सेस होंगी, एक तो टेंशन होगा और एक क्या होगा, एमजी एक एमजी होगा, है ना। और ये है मेरा टेंजेंट। टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है क्या, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं सर, नहीं है, तो पॉइंट बी पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेडियल सेंट्रीपिटल। एक्सेलरेशन हो, जो कितने के बराबर होगा, वी स्क्वायर बाय एल। क्यों मानते हो, यस बोलो ना, हाँ सर, वी स्क्वायर बाय एल। और ये एक्सट्रीम है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो जी है, और यहाँ पे कुछ इसके पास वेलोसिटी है, लेट से वो वेलोसिटी है वी, ठीक है। अब ये वी स्क्वायर कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर बड़े आराम से निकल जाएगा, सी और बी पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या हम, बोलो। हाँ सर, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाओगे तो ये सी पॉइंट से बी पॉइंट का वर्टिकल हाइट कितना है, हाँ, R/5, L/5। लेट से ये एंगल है थीटा, है ना। तो ये तो हम लोग कितनी बार, 50 बार 100 बार कर चुके हैं, ये वाला जो है -cos थीटा हो जाएगा, ये चीज कितनी हो जाएगी, बोलो। R cos थीटा। यस, एल कॉस थीटा या आर कॉस थीटा जो भी लिखना चाहो, है ना। तो एल कॉस थीटा, तो ये जो हाइट है पॉइंट सी से पॉइंट बी तक की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है, वो कितनी है, L1 -cos थीटा। यस, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो पॉइंट बी को ही अगर हम रेफरेंस मान लें तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम रेफरेंस मान लें तो पॉइंट बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और पॉइंट सी पे सिर्फ मेरे पास पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है, एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। एमजी आई बात समझ, ये बोलो। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2g इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। 2gl, l कॉमन आ गया है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय l, ये खत्म हो गया। थीटा की वैल्यू हमको पता है 37, ये हाइट है l माइनस l कॉस थीटा, ध्यान रहे। तो सर, थीटा की वैल्यू 37 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, बताओ जरा। हाँ, 4/5 तो 1/5। तो ये हो गया 2g इंटू 1/5, तो ये क्या आ गया, 2g/5, चलेगा। हाँ सर, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, अब सी हमारा इसका काम हो चुका है, तो ये मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, चलेगा। लिखना है तो नोट लिख लो, लिख लिया क्या सबने। हाँ सर, तो अब आते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे हमारे पास दो फोर्सेस है, कौन कौन सी, टेंशन और एम जी, लेकिन हमको वो फोर्सेस निकालनी नहीं है, हमको सिर्फ रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन देखना है। तो रेडियल डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये एंगल यहाँ से वर्टिकल से कितना है, थीटा, ठीक है। चलो, अब ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, बताओ जरा, वी स्क्वायर बाई आर, ये होता ना। इस मोमेंट पे जो पॉइंट सी है वहां पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो ये टेंजेंशियल तो रेडियल एक्सेलरेशन वैसे ही जीरो हो गया, खाली क्या बच रहा है हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगा, उसमें
टेंजेंट के अलोंग किसका कंपोनेंट है और किसका कंपोनेंट नहीं है? टेंशन का कंपोनेंट तो जीरो है, 90 डिग्री पे वो है ना, तो क्या आएगा? एम जी साइन थीटा नेट फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स यही है ना। हाँ सर। एम जी का कंपोनेंट जो क्या होता है, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होता है कि नहीं? यस सर। तो टेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा कितना आया? 3/5। 3g/5 रेशियो निकाल लो, चुपचाप अपना 2/3 आ जाएगा, है कि नहीं? सिंपल था वो, क्या लल्लू सवाल था। हाँ सर।